करप्शन के हवाले से तो अब जब अगली मीटिंग आएगी तो उसमें पता लगेगा कि इस वक्त जो फाटा के फंड में से पिछले 3 माली सालों में से कोई 43-44 अरब रुपए जो है वो मिसिंग है। तो करप्शन का तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमारे पास इस वक्त अकाउंटेंट जनरल ने सबमिट करा दिए वो तो अब गलत हो नहीं सकती, क्योंकि ना उनमें से दोबारा एडिटिंग की जा सकती है। अब केपी गवर्नमेंट को अपने फिगर ठीक करने पड़ेंगे, या तो वो जो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए उनने रिलीजेस बता दिए कि ये हमारी रिलीजेस है, अब वो रिलीजेस तो वापस हो नहीं सकती। अब ये 43 बिलियन का जो गैप आ रहा है, अब जब तक इसको हम क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये कहना कि करप्शन है या, क्योंकि फाइनेंस को भी चेक करना पड़ेगा और ऑडिटर जनरल को ये चेक करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा गैप है, कोई छोटा गैप है नहीं कि 1 बिलियन का या 2 बिलियन का और वो उसमें से सेट असाइड कर ले, डिसीजन कर ले उस पर। अच्छा सर, ये फाटा में जो खासकर बैंकों में सुनने में आया है पैसे पड़े होते हैं तरक्याती, और दूसरा तरक्याती फंड के लिए पैसे रिलीज भी हो चुके हैं लेकिन वो मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए, ऐसे कोई है ऐसे बहुत से हैं। 2018 में जिस तरह मैंने रेस्क्यू 112 के हवाले से कहा कि उन्होंने तो 2.5 बिलियन से ज्यादा रुपए जो थे वो उन्होंने रिलीज भी कर दिए, और उन्होंने उस पर लिख भी दिया था कि वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू 112 के कोई बिल्डिंग जो है खासकर मोमन में जिसका मुझे पता है ग्रे स्ट्रक्चर में खड़े, यहाँ से इन्होंने अपने पीएनडी ने अपने रिकॉर्ड में शो कर दिया कि रिलीज भी हो चुके हैं और कंप्लीटेड भी है। तो 2018 का रिलीज है और 2021 में हम हैं इस वक्त, तो 2022 तकरीबन शुरू होने वाला है और अभी तक कंप्लीट तो है नहीं। तो फिर 2018 में दिए गए पैसे कहाँ पड़े हुए हैं, या तो वो बैंकों में पड़े हुए हैं सूद के ऊपर कि मार्कअप में प्राइवेट बैंकों को दे दिए गए, यही तरीका है। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि AGPR एक हो रहा है कि कहीं करप्शन हुई है, क्योंकि एक साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, कई सालों की बात चली आ रही है और हर साल में अरबों रुपए का रिकॉर्ड गायब है। ये बात तो अभी तय होनी है, तो अगली मीटिंग में अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह के फाटा के पैसों के साथ हुआ क्या है। अब हम ये कहें कि फाटा के पैसों पर हमला किया गया है और किसने हमला किया है, कैसे हमला किया है, ये तो अभी अगली जब रिपोर्ट आएगी फाइनेंस की तरफ से, AG की तरफ से, उसमें सही तरीके से उसको दोबारा एनालाइज किया जाएगा। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम कहेंगे कि सेनेट मेंबरान जो है वो तैयार बनाएं और उसके ऊपर बात करें कि अगर पैसे हैं तो कहाँ चले गए, क्या उसको KP के डिस्ट्रिक्ट्स में लगा दिया गया फाटा के पैसों को, ये 43 बिलियन का जो गैप आ रहा है, हमारा शक है कि ये पैसे तमाम लगा दिए KP डिस्ट्रिक्ट्स में। अब ये शक तो तब दूर होगा जब ये अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट हमें दे देंगे और तमाम रिलीजेस तमाम स्कीमों के अगेंस्ट देंगे, जब तक ये देंगे नहीं उस वक्त तक ये शक रहेगा, और ये बल्कि शक नहीं यकीन रहेगा कि KP के ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फाटा के पैसों को इस्तेमाल किया गया। अच्छा ये बताइए कि जो प्राइवेट बैंकों में पैसे रखे जाते हैं, और आपने बात की कि 4% और वहाँ पे, तो एक तो ये चीज़ क्लेरिफाई करें कि इसमें कोई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट भी होते हैं कि वो कम सूद पे रखते हैं और सूद ज़्यादा लेते हैं, और दूसरे ये कि जो आप लोगों ने इंक्वायरी का हुक्म दिया वो किस चीज़ के ऊपर है ज़्यादा? अभी तो हमें जिस बात पे जोर दिया है हमने सिर्फ उनसे पूछा कि आपके इस वक्त अमाउंट है कहाँ पे, एक डिपार्टमेंट से जो इंसाफ रोज़गार स्कीम से, उन्होंने बताया कि हमारे जो कुछ पैसे हैं कोई 1100 मिलियन जो 2018-19 में रिलीज़ हुए, उन्होंने कहा कि हमने 4% पर वो दे दिए प्राइवेट बैंक को। अगर प्राइवेट बैंक को उन्होंने पैसे दे दिए तो कौन सी पॉलिसी के मुताबिक दिए, अभी तो इस सवाल के जवाब उन्होंने देने हैं। और उन्होंने 4% का जिक्र किया, अब 4% पर जाता कहाँ है, कौन 4% लेता है, KP गवर्नमेंट को वापस आता है, या उसके लिए आगे उन्होंने कोई क्राइटेरिया बनाया है? चेयरमैन साहब, जो लोग फाटा के इंतजाम के खिलाफ थे ये तो उनकी बात को तस्दीक नहीं करती और उनका जो मौकफ था उसको मजबूत नहीं बनाता कि KP किसे फाटा को अलग ही रखा जाए, क्योंकि फाटा का जो पैसा चोरी होगा और NFC में जो वादा किया गया था इजाफी पैसे का, उसके बारे में बताइए उसका क्या बना है? चोरी को रोकने के लिए हमने पहले भी इसकी एक बताया था कि फाटा के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाए ताकि हमें रिलीजेस का पता चले। अब चूंकि KP के अकाउंट के अंदर हमें ये पता नहीं चल रहा कि रिलीजेस हुए किस स्कीम को अगेंस्ट, अब चूंकि एक अकाउंट है अकाउंट 1, उनमें जितने पैसे पड़े होते हैं अगर आप उसको दोबारा गिनते रहें या उनके ऑडिटेड निकालते रहें तो आप कभी भी उसको फाइनलाइज स्टेज तक नहीं लेके जा सकते। मेरा सवाल तो बीच में रह गया कि जो फाटा के